क्या नाम है अपना, मैं नाश्ता लेने जा रही हूँ, आपने चलना है तो आ जाए। मैं तो खाती हूँ पापे, बड़े मज़े के पापे मिलते हैं यहाँ पे, पैकेट में होते हैं लेकिन वो सेम डिट्टो पाकिस्तान के होते हैं। आप नाम रखने वालों ने देखे पापा, पाकिस्तान में से रस कहते हैं रस, पापा नहीं नहीं हम तो पापे बचपन से पापे कहते आ रहे हैं। और ये जो पंजाब साइड के होते हैं ना वो लोग रस कहते हैं, कराची के पापे कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, परवरदिगार सबको अपने अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और तकलीफ़ और परेशानियों नागहानी आफात से परवरदिगार दूर रखे। ये जो छोटा सा क्लिप आपने इससे पहले देखा था, वो हम लोग जा रहे थे नाश्ता लेने के लिए। अभी मैं आई हूँ थोड़ा सा सौदा लेने के लिए। यहाँ मैंने गोश्त का ऑर्डर दे दिया था इनको, ये बहुत अच्छा गोश्त बनाते हैं। और इसके ऑर्डर दे के सौदा लेके मैं चली गई थी, उन्होंने फिर होम डिलीवरी की थी। अच्छा, मेरी एक दो व्यूअर्स हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि बिरयानी बनाना सिखाएं। बेटा हम नाचीज से क्या सीखते हो बिरयानी बनाना, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हम तो अपने घर में इतने बदनाम हैं कि आपकी सोच है। हमारे मियाँ 24 घंटे ये कहते तुम्हें कुछ नहीं आता बनाना, यानी 50 साल के बाद में, शादी के 30-35 साल के बाद मेरे मियाँ मुझे एक दिन आए कहने लगे तुम्हें आज तक चाय बनानी नहीं आई। मैं अपना मुंह देख रही थी, मतलब शायद वाकई में मुझे चाय बनानी नहीं आई, क्योंकि मैं चाय ख़ुद भी नहीं पीती। फिर मुझे इतने ज़्यादा ताने मिले कि मैंने चाय बनाना ही छोड़ दी। फिर वो चाय खुदा बनाती है, या तो मेरे मियाँ को हमारी बुरी चाय की आदत हो गई है, या तो फिर हम सही बनाने लगे हैं। बहरहाल अच्छा बिरयानी बनाना भी सिखा देंगे इंशाल्लाह, जैसे हम बनाते हैं। दुनिया में सब बहुत अच्छी बिरयानी बनाते हैं, जैसे मैं बनाती हूँ या मेरी बेटी बनाती है वैसे हम सिखा देंगे। और स्पैगेटीज़ के आज स्पेशल वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, फिर वो भी डाल देंगे, वो भी आप देख लीजिएगा। स्पैगेटीज़ वाकई बनाने के काबिल हैं और ये बहुत ज़बरदस्त एक डिश है, आप सोचेंगे कि ये क्या चीज़ है। अच्छा जी, सौदा लेके हम लोग जल्दी जल्दी ऐसे निकल रहे हैं जैसे हम चोरी करके निकल रहे हो यहाँ से ना, ऐसे जल्दी जल्दी भाग रहे हैं इधर उधर देख रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं था उसका। एक व्यूअर है हमारी साजदा, वो कमेंट में ऐसे बात कर रही होती है जैसे लिटरली डायरेक्ट बात कर रही होती है, ऐसा लगता है कि जैसे बस वो मेरे सामने बैठी हुई है और मुझसे वो बात कर रही है। हर वीडियो पे कमेंट कर रही होती है। तो साजदा आई लव यू एंड हुदा लव्स यू एज वेल एंड माई नेबर लव्स यू एज वेल एंड वी ऑल लव यू। और साइमन है भी ना, साइमन जी का भी मुझे पैगाम मिल गया था और जैनब का भी था। वो चश्मा मेरा टूट गया है तो मैं इंडिविजुअली किसी का वो कमेंट पे जवाब नहीं दे सकती हूँ, इसलिए बबली बात कर रही हूँ। और मैं जो हूँ टाइम निकाल के ही बात कमेंट्स का तो निकाल लो पहले इसीलिए मैं कमेंट्स पे बात करती हूँ। तो जनाब हम लोग यहाँ पर आ गए थे सौदा लेने के लिए, मैंने इसको मना किया था कि देखो इसके मीठे इसमें जिसमें कुनाफा सैंडविच होती है इसमें ज़्यादा मीठा मत डलवाना। इधर मैं मुड़ी हूँ दूसरी चीज़ लेने के लिए और इसने जो है वो डबल मीठा डलवाया है, मैंने अभी नोट किया, अभी देखा है मैंने। अच्छा जी ये देखिए ये कुनाफा सैंडविच बन रही है और ये बड़ी मज़े की बनती है और गरम गरम हो तो आहा क्या बात है इसकी, बड़े मज़े की होती है। कभी किसी का इत्तेफाक हो ये लबनानी स्वीट्स में जाने का तो प्लीज़ उनको बोलिए कि एक कुनाफा सैंडविच, जो स्वीट लवर है ना प्लीज़ एक दफ़ा ये ट्राई करें, बहुत मज़े की होती है। ये मेरे मियाँ ने आज से मुझे कोई 30-35 साल पहले खिलाई थी। मैं ज़्यादा मीठा खाती नहीं हूँ, मुझे पसंद भी नहीं है तो मुझे इतना ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन ये दोनों बड़े पागल हैं इन चीज़ों के पीछे, मीठे के पीछे। वैसे तो ना आज हमारा पूरा दिन ही डे आउट ही समझिए, कि वो हम लोग नाश्ता लेके घर पहुँचे, घर पहुँचने के बाद नाश्ता किया, उसके बाद घर की थोड़ी सी सफाई की और फिर दोबारा से मोहम्मद को लेने के लिए हम लोग जो है वो स्कूल के लिए निकल गए। और बच्ची ने जो मेरा दिमाग पिची करना शुरू किया है कि मम्मी प्लीज़ मुझे बुरके दिला दें। फिर हम लोग चले गए वहाँ पे, एक तहसील है शारजा में, जो लोग शारजा में रहते हैं ना उनको पता होगा कि वो जहाँ पे चपली कबाब मिलते हैं उसके बराबर में तहसील है, वहाँ ज़बरदस्त किस्म के बुरके मिलते हैं और बहुत अच्छे। और अभी हम आपको वहाँ पे लेकर जाएंगे, आपको कपड़े भी दिखाएंगे। ये मैं वहीं पे आ गई मोहम्मद को स्कूल से डायरेक्ट पिक करके, तो वहीं चली गई थी और बहुत लश पश कपड़े हैं और
बास बिल्कुल, मतलब जो हमारे हमारे उसके नहीं होते, समझ में नहीं आते हमारे जैसे, ये हमें समझ में नहीं आ रही, ये बिल्कुल बेकार है। लेकिन ये हैं बहुत एक्सपेंसिव, महंगे बहुत हैं। अभी ऊपर हम लोग जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे, तो आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त किस्म के, जो मतलब आप चाहे जैसे हम लोग शलवार कमीज़ पहन के थक गए ना, बहुत डिसेंट दिखने वाले कपड़े मौजूद हैं वहाँ पे। जैसे मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये तो आप ही ने फिर बुरके की वीडियो डाल दी है, इसके अंदर बहुत डिसेंट कपड़े हैं वहाँ पे, हैं अभी बहुत प्यारे। और कभी आप लोगों का आना हो तो लेडीज़ का, तो प्लीज़ यहाँ पे तहसील में आएँ, यहाँ पे मैं अगर कोई मांगेगा तो मैं इसको लिंक भेज दूँगी। ये देखिए मैं ये कपड़े हुदा को बोल रही थी कि आप ले लो, आप पे बहुत सूट करेंगे, अच्छे अच्छे लगेंगे। तो कह लेंगी मम्मी इंशाल्लाह फिर किसी दिन आएंगे, अभी तो बहुत देर हो रही है। ये बहुत प्यारा था, ये बहुत ज़बरदस्त था और इतने एक्सपेंसिव भी नहीं है, मतलब पूरे पूरे सूट से पजामा के साथ है। अभी शायद इनके पास इतनी ज़्यादा कलेक्शन नहीं थी या हम लोगों ने एक्सप्लोर नहीं की, लेकिन ये देखिए बहुत प्यारे, मतलब घुटनों तक या घुटनों से थोड़े से ऊपर इनकी शर्ट्स हैं और पजामे हैं, माइंड ब्लोइंग है। और सारे कलर्स में अच्छी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा। ये देखिए ये पजामे के साथ है, यानी इसे हम मिस्री लबनानी लोग जो पहनते हैं ना वो है, लेकिन ये बहुत प्यारा। ये देखिए बॉटल ग्रीन है, मैं तो इंशाल्लाह जाके दोबारा से ये बॉटल ग्रीन वाला ले लूँगी। इसके साथ वो नहीं था, पजामा नहीं था, इसलिए मैंने नहीं लिया। इंशाल्लाह एक दो दिन में जाके लेती हूँ। मैं सोच रही हूँ अपनी ड्रेसिंग चेंज करने के लिए वही शलवार कमीज़, ये भी तो डिसेंट लुक है ना। आप बुरका तो आपने एनी हाउ पहनना ही है, बुरके बड़े ज़बरदस्त थे, मैंने 4 बुरके ख़रीदे, 2 आप ही के, 2 मेरे, लेकिन मुझे पता है वो मेरे वाले भी आप ही ने पहने। इसी चीज़ का मुझे हर वक्त डर लगा रहता है, मेकअप लो तो वो इस्तेमाल कर लेती है, उसकी ड्रेसिंग टेबल पे चला जाता है, बुरके लो तो वो मेरे बुरके पहन रही होती है, नीचे से सारे फाड़ देती है अपनी हीलों की वजह से। अच्छा जी, अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि हमने ऑल्ट्रेशन के लिए अपने बुरके दिए थे जो हमने ख़रीदे थे। अच्छा, मैं बुरके भी आप लोगों को इंशाल्लाह, ये जो मैं आज व्लॉग बनाऊंगी स्पैगेटीज का, तो वो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने कौन से बुरके ख़रीदे। बहुत अच्छे थे, थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, इतने ज़्यादा भी नहीं, 200-250 के बीच में आ जाते हैं। ये आप ही मुझे ज़बरदस्ती फेशियल कराने के लिए यहाँ पे ले आई थी, मैंने बोला बेटा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे तुम मुझे कितने भी फेशियल करा लो, मेरा मुंह वैसे ही रहेगा। लेकिन वो मानी नहीं, मम्मी आप चलें। यहाँ हम आ गए थे VLCC, यहाँ से हमने फेशियल कराया मैंने। और फेशियल कराने के बाद हम लोग कहाँ गए थे, शायद तब भी हम लोग कहीं गए थे। ये देख आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिए, मैंने बड़ा ज़बरदस्त बनाया। ये आपने थोड़ा सा जो भी गोश्त हो आप उसको थोड़े से पानी में बॉईल कर ले, मतलब 70% डन कर ले उसको, ठीक है। और पानी में आप डालेंगे गोश्त में, यानी एक चम्मच एक टीस्पून भर के काली मिर्च फ्रेशली क्रश्ड हो, यानी उसी वक्त आपने क्रश करके जो है काली मिर्च डालनी है, और नमक डालना है, और एक जवा जो है लहसुन का, बस इससे ज़्यादा लहसुन नहीं डालना। उसको आप बॉईल कर लें, 70% डन कर लें, उसके अंदर पानी जो है कुकर के अंदर पानी या पतीली के अंदर पानी सिर्फ 3-4 चम्मच ही बचा हुआ, टेबल स्पून से ज़्यादा पानी ना बचा हुआ, इसलिए मिनिमम पानी डाल के उसको बॉईल कीजिए। उसके बाद आपने ढेर सारे तेल में जो है वो ढेर सारी प्याज, मतलब जैसे आधा किलो गोश्त का बना रहे हैं तो 1 किलो प्याज आपने काट के मोटी मोटी, ठीक है ना, काट के जैसे ये प्याज आप देख रहे हैं ना, मोटी मोटी काट के तेज़ गरम तेल में, यानी खोलते हुए तेल में बहुत ज़्यादा, तो इसको जल्दी से फ्राई करें 3 मिनट के लिए, ट्रांसल्यूसेंट होने पर इसको निकाल लें। ज़्यादा फ्राई नहीं करना, नहीं तो बिल्कुल भुसभुसी हो जाएगी, बिल्कुल नरम हो जाएगी, नरम नहीं करनी है प्याज, ठीक है। और इसके बाद जो है वो इसी तेल के अंदर हम गोश्त फ्राई करेंगे, गोश्त को जैसे अभी कलर आ जाएगा इंशाल्लाह देखेंगे आप। और इसमें आपने कुछ भी ऐड नहीं करना, मैंने इसमें गलती की, अपनी बच्ची की बातों में आ गई और मैंने इसके अंदर जो है वो अदरक लहसुन डाल दिया। लास्ट टाइम बनाया था उसमें मैंने अदरक लहसुन डाला था, बहुत अच्छा बना था, लेकिन इस दफ़ा जो है वो बात नहीं थी जो हमेशा होती है, क्योंकि अदरक लहसुन डाल दिया था, लेकिन फिर भी बहुत मज़े का था। आप लोगों ने अदरक लहसुन नहीं डालना, लहसुन सिर्फ और सिर्फ बॉईल करते हुए डालेगा। जैसे अब ये ब्राउन हो गया ना, अब आपने इसको निकाल लेना और इसके अंदर टमाटर डाल देने। टमाटर कितने डालने हैं आपने, जैसे 2 बड़े टमाटर ले लें, उसकी आपने चटनी बना लेनी है, और फिर ये सारी चीज़ें उसी में डाल दें, ठीक है। नमक टेस्ट कर लें, 1 चम्मच भर के दोबारा से फ्रेश काली मिर्च आप इसमें डाल दें, नमक टेस्ट कर लें नमक कैसा है, जैसे अभी टमाटर की चटनी बन जाएगी।
सब चीज़ें मिक्स करके आपने दो मिनट उसको खौलाना है। उसके बाद जो दो तीन चम्मच हमारी यखनी के रह गए होंगे वो भी इसने इसमें ऐड करने हैं। दो तीन मिनट खौला के चूल्हा बंद कर दें, ये ज़बरदस्त बन जाता है। ये मैं बना रही हूँ अरबी, मोटी सिवैयाँ जो होती हैं ये बना रही हूँ, बच्चे मेरे बहुत शौक़ से खाते हैं, हस्बैंड भी, तो मैंने बोला कि एक डिश के साथ ये मीठा भी हो जाएगा तो मैंने ये बना लिया। मेरी कमेंट्री से मेरे हलक में दर्द हो रहा है, आप लोगों के कानों में कितनी तकलीफ हो रही है, तकलीफ हो रही होगी। अच्छा जी, आप ही मैं पढ़ाऊंगी मोहम्मद को अभी ना, तो आप रखें मत। अच्छा जी, मैंने इसको ढक दिया था, इसकी ये चटनी बन गई थी। अब इसमें मैंने पाकिस्तानी मिर्चों की अपनी ही अलग बात होती है, अगर मिल जाए आपके आस पास पड़ोस में कहीं काली मिर्चें किसी के घर लगी हों तो तोड़ आए, नहीं तो ख़रीद लें। हैं हरी मिर्चें। काली मिर्च की मैं इतनी शौकीन हूँ ना, अगर मुझे काली मिर्च तेल में फ्राई करके दे दो तो मैं पूरा खाना उससे खा सकती हूँ, नमक हल्का सा डाल के। ये देखिए मैंने सब मिक्स कर दिया। अब इसके बाद जो है वो मैं इसको दो मिनट खोलाऊँगी, चूल्हा बंद करूँगी जी। और मुझे तो मोटी काली मिर्च पसंद है, लेकिन इसमें मैंने बारीक पीस के डाली फ्रेश, क्योंकि मियाँ कहते मेरे दांतों में लगती है, तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, ऐसा ना हो कि ये बगैर दांत के हो जाए, तो मैंने बोला इसको पीस ही लूँ। ये जी, ये मैंने इसके अंदर यखनी डाल दी। चलें आप लोग अपना ख्याल रखें, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।